और सुबह भी मैं तुम्हें एक तुम्हारे अज्ञान को दूर करना चाहता था, और मैंने कहा था कि तुम पत्रिका में पढ़ते हो कि ये 5 दिन तक ये साधना की उर्वशी साधना, उर्वशी आई नहीं, और फिर तुम्हारा सीधा टेलीफोन कि गुरु जी अब क्या करें, क्या किया गुरु जी 5 दिन तक किया। कई बार एक बार पत्रिका में लिखा होता है कि एक रात्रि की साधना है, अब एक रात्रि साधना करिए और लक्ष्मी तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी। आपने एक रात साधना की और लक्ष्मी तो आई नहीं। अब तुम्हारे मन में ये पत्रिका में सब झूठ लिखा है, या तो ये मन में आएगा या गुरु जी ने ये गप मार दी, ये आएगा आएगा ही, क्योंकि तुम्हारा गलत तो बात जल्दी सीख लोगे ना भाई। गुरु जी गलत नहीं है, न पत्रिका गलत है, न वो मंत्र गलत है, मगर पहली क्लास वाला एकदम से एक रात की साधना में कैसे सिद्ध हो पाएगा? तुम्हारे मन का ये भ्रम है। पहले आप उस लेवल पे पहुंचे जिसको एमए पास कहते हैं, उन लोगों के लिए ये बात सही है जो उस स्तर पर पहुंचे हो, फिर एक दिन में साधना होगी होगी, क्योंकि उस लेवल है वहां का। पहली क्लास में तुम अंग्रेजी में कैसे बोलोगे एकदम धारा प्रवाह? बीए तक पहुंचोगे तो अंग्रेजी बोल सकोगे, सुन सकोगे, तब तो कोई बात अंग्रेजी किताब पढ़ सकोगे। और पहली क्लास में लिखा कि ये उपन्यास तुम पढ़ोगे, इसमें ऐसा उपन्यास है, तुम समझ सकोगे, और तुमने उस किताब को लिखा और ए ए के बाद में सी ए सी यू ए सी यू, अब कुछ हुआ था, अब कैसे होगा, अब ए सी यू पढ़ने से कैसे होगा? इसलिए पहले आप निरंतर, इसलिए फिर कहता हूँ दूसरी बार साधना कर, फिर कहता हूँ तीसरी बार साधना कर, चौथी बार, और चौथी बार के बाद माला फेंक देते हैं कि बस ये सब बस हो गया, माला फेंक, ये लक्ष्मी का चित्र सर यार, और वापिस अपनी जगह वही बैठ जाते। ये तुम्हारी न्यूनता है, इसलिए पहले आप उस स्तर पर पहुंचिए, और वह स्तर पहुंचा जाता है सेवा से और समर्पण से। अगर शुद्ध मन से तुम सेवा कर सको, शुद्ध मन से समर्पण कर सको, शुद्ध मन से चिंतन कर सको, यही पहली क्लास से एमए तक पहुंचने की क्रिया है। अगर ये नहीं है तो खाली एकदम से, या फिर साधना करते रहिए, 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार 20 बार 50 बार करिए, एक दिन जरूर उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि उसका आपका पुण्य का या आपके ज्ञान का चेतना का विस्तार आपके हृदय में होता ही है, या शक्तिपात के माध्यम से जो तुम्हारे शरीर में जो जड़ता है, जमी हुई चीज है, उसको उस रोशनी से दूर किया जा सके। कई तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से चलिए। उसमें आप एक एमए करने के लिए या बीए करने के लिए 14 साल झोंकते हैं, एक खाली नाम के आगे नाम रखने वाली बीए, बस 2 अक्षर लिखने के लिए 14 साल झोंकते हैं, और कम से कम 1 लाख रुपए खर्च करते हैं उन 14 सालों में, तब जाके 2 अक्षर आपको मिलते हैं। और साधना करने के लिए न 14 साल का देरी है, 14 दिन का देरी भी नहीं, 2 दिन किया और बस तुम्हें मिल जानी चाहिए सब कुछ, ऐसा कैसे होगा? जब एमए करने के लिए बीए करने के लिए 14 साल तुम्हें झोंकने पड़ेंगे, और साधना करने के तुम 10 दिन भी नहीं लगा सकते, महीना नहीं लगा सकते, 2 साल नहीं लगा सकते क्या? और यदि तुम्हें वह सिद्धि, चाहे अप्सरा साधना सिद्धि हो, चाहे लक्ष्मी साधना सिद्धि हो, चाहे हनुमान साधना सिद्धि हो, कोई भी सिद्धि 1 साल 2 साल 5 साल 8 साल 10 साल बाद 40वें साल में मिली तुम्हें, मगर 40वें साल में मिली तो पिछले 40 साल तुम्हारे स्वर्णिम हो जाएंगे, अगले 40 साल भी स्वर्णिम हो जाएंगे, अद्वितीय बन जाओगे अपने आप में, पूरे भारत में मानने लग जाएगा, पूरे भारत तुम्हारे चरणों को छूने लग जाएगा उस सिद्धि की बदौलत। एक सिद्धि भी तुम्हारे पूरे जीवन को संवार देगी, चाहे 20 साल बाद मिली, तुम्हारे इन पैसों से, तुम्हारी नौकरी से वो नहीं समझ सकते तुम्हारा, तुम्हारा नाम पूरे प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते, ये समझ लिया। धैर्य चाहिएगा, कई तरीके हैं, इसलिए तुम जब आते हो तो मैं तुम्हें ये बात समझा नहीं सकता, क्योंकि तुम एकदम से, फिर मैं सोचता हूँ कि इनको बेचारे कहा उदास होकर चले गए, चलो कोई बात नहीं, फिर तुम्हें टॉफी दे देता हूँ, कभी टॉफी नहीं तो आइसक्रीम देता हूँ, फिर आइसक्रीम नहीं तो फिर कभी और चीज देता हूँ, चल भाई तुम करता रहे, तो अब की कर, अब की आएगी कोई अफसर आएगी आएगी तुम ट्राई कर, फिर तुम जींगते हो, गुरु जी आप ही कमाल हैं, अब मैं तो बताओ आपने पहली बार किया, मैं आया, पक्की बात, पक्की बात, फिर आपको मालूम होना चाहिए गुरु जी अमृतसर से किराया कितना लगता है, 75 रुपये लगते हैं गुरु जी, भाई तुमने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया, मेरे पूरे पीढ़ियों ने तुमने चार दिया, जो मैं क्या करूं, रेलवे को दिए दिए गुरु जी, मगर आप इस बार भी कोई आई नहीं गुरु जी, आई नहीं, मैंने कहा मैंने भी कोशिश की थी तेरे पास भेजने के लिए, तेरे पास गई नहीं, असल कमजोर आदमी के पास कैसे जाएगी, उसने कहा मैं गई, वो तो खुद ही कमजोर सा लग गया, बीता आदमी मैं क्या करूं, वापिस आई, वो तो ऐसा कर दू, ऐसा कैसे कह दिया, मैं बहुत मर दू, मर्डा भी है तेरे का, तुम जूनियर के लागत नहीं तुम्हें, अब क्या आता हूँ, अब क्या जाऊँ, तो जाता है डंड बैठक उठ बैठक लगाता है, तेल मालिश करता है, और वापस एकदम से करके वो अमृतसर का लड़का वापस आया। अब देखिए गुरु जी सीना देखिए, मैं मुझे तो याद नहीं मैंने क्या कहा था इसको,
मेरे सीने का क्या करना है? तो उसने कहा आप देखिए। अरे मैंने कहा क्यों देखने क्या करना? आपने कहा था ना गुरु जी क्यों आती नहीं है, अब सीना ठीक नहीं है, अब सीना देखिए। मैंने कहा भैया आपकी मैं कह दूंगा कि सीना थोड़ा चौड़ा हो गया है, अब तो चली जाओ। क्या आप मुझसे बात तो करवाइए गुरु जी, मैं सब कुछ निबट लूंगा। वास्तव में शिष्यों पर मुझे गर्व है, मैं कह रहा हूं बहुत गर्व है, मैं कह रहा हूं। अगर सन्यासी से कोई कहता है इतनी सी बात कहता, सामने चेहरा नहीं उठता उनका, आंख नीचे की हुई बात करते, अच्छे से अच्छे योगी और सन्यासी। और इतनी बात तो शायद उसने जिंदगी में सोचा ही नहीं होगा मैं इतनी गुरुजी से बात कर सकता हूं। और कर दे तो वो हल्दी और दूध पीते हैं फिर महीने भर बैठे बैठे। मगर वो सन्यासी से थे, तुम गृहस्थ से, इसलिए तुम्हें फिर समझाना पड़ता है कि कोई बात नहीं, सीना तुम्हारा बहुत अच्छा हुआ है, मैं भी प्रभावित हुआ हूं। और एक बात तुझे कहूं मिलता तो कि हाँ गुरुजी बताइए कि अगर मैं लड़की होती तो तेरे घर जरूर चलती। कि क्या गुरुजी मजाक करते, देख सीना क्या तेरा रहता वो समझता सही, वो यूं से गुरुजी टॉन्टिंग कर रहे हैं। ओके गुरुजी मेरे सामने और कॉलर वॉलर झटक करके खड़ा हो जाता है। मैं कहा अब ट्राई कर, अब कि आएगी आएगी, अब वो बेचारा फिर चला जाता। वो नहीं समझ पाता कि मेरे पास एक प्राण शक्ति होनी चाहिए, चेतना शक्ति होनी चाहिए। जब चेतना शक्ति तुम्हारी नहीं होगी, ऐसे में तुम्हें एकदम निराश नहीं कर रहा हूं कि ऐसा होता ही नहीं, मगर तुम्हें उतनी क्षमता, मैंने तुम्हें कहा कि अगर 20 साल प्रयत्न करने के बाद भी मिल गई सफलता, तभी तुम्हारा ये 20 साल में तुमने 5 लाख रुपए कमाए, उससे ज्यादा 50 लाख रुपए कमा लोगे, पूरा जीवन समझ जाएगा, आने वाली पीढ़ियां याद करेगी तुम्हें, पिछले 20 साल तुम्हारे समझ हुए होंगे कि यह अद्वितीय व्यक्तित्व है और ये ऐसा करता है। वह छोटी बात नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अद्वितीय है। और आपको उतने धैर्य के साथ ये साधना भी, सेवा भी, समर्पण भी, चिंतन भी, विचार भी और धारणा शक्ति भी होनी चाहिए, होगी तो सबको प्राप्त होगा। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीम ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः थुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।